आई फा 16 ईयर्स ओल्ड बट विश्वास नहीं हो रहा है बिकॉज मैं 16 साल से आईफा देख रही हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है. 16 ईयर्स इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. आईफा स्वीट 16 एंड माई बेस्ट विशेज फॉर अनदर 116 सच फैबुलस ईयर्स. आई फील मैं 16 साल की उम्र से देख रही हूँ, तो मतलब काफ़ी पहले से हो रहा है आईफा. एंड इट्स ऑलवेज बीन, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, हर अवार्ड की अपनी अलग वैल्यू होती है, बट आईफा एक अलग लीग का अवार्ड ऐसे परसीव किया जाता है. एंड उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही अलग है. मतलब एक तरफ अवार्ड्स होते हैं और एक तरफ होता है मैंने आईफा जीता. दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. एंड दिस टाइम इट्स हैपनिंग इन मलेशिया, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वन बिग ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन लाइक एवरी ईयर. म्यूजिक जो है फिल्म का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो इस साल का कौन सा फिल्म का म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अगर मैं बायस्ड होके बोलूं तो मुझे टू स्टेट्स का म्यूजिक बहुत बहुत पसंद आया. मेरा उसमें फॉर्चुनेटली एक गाना था, बट एल्बम ही इतनी अमेजिंग थी कि हालांकि अगर मैंने वो गाना नहीं भी गाया होता तो भी मुझे वो फिल्म का म्यूजिक बहुत बहुत अच्छा लगता. उसमें मस्त मगन इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, चांदनिया इतना खूबसूरत गाना है, हुल्लारे जो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था वो भी इतना प्यारा गाना है, मैंने उसमें इसकी उसकी गाया है. सो आई होप दैट टू स्टेट्स बैग्स द बेस्ट म्यूजिक अवार्ड. I love Pataka Guddi. I think Highway was an incredible album. So yeah, I really hope that if the award has to go, if not to Two States, then it should go to Highway. Any upcoming projects? There are a couple of independent projects also that are lined up. Ek Mother's Day pe I plan to launch a single, and it's about women and how women are actually a very important part of the society. They're not respected today as much as they should be. Part of the society definitely does respect women, but talking about that, not preachy, it's a beautiful simple song, very emotional, and there are a couple of other film projects also lined up. I hope they release soon. Thank you so much. I've been a friend of IFA for very many years now. मैंने IFA's host किए हैं, perform किया है, award भी जीती हूँ मैं. तो बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है आईफा के साथ. हम दुनिया के कई जगहों में जा चुके हैं, नए दोस्त बना चुके हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मलेशिया दिस ईयर. इट्स गोइंग टू बी अनदर वेरी मीनिंगफुल ईयर फॉर मी, क्योंकि एक और फिल्म रिलीज करने के बाद व्हेन यू सी योर नेम फीचर इन मेनी नॉमिनेटेड कैटेगरीज, इट फील्स रियली गुड. इट्स वेरी एम्पावरिंग एंड वंडरफुल. एंड as a film producer and as an actor, I really look forward to my participation in IFA. इस साल जो है काफी अच्छे-अच्छे फिल्में, आपकी भी एक फिल्म है बॉबी जासूस, तो आपकी अगर बॉबी जासूस को छोड़ दें उसे तो काफी लोगों ने सराहा, अगर बाकी की फिल्मों की बात करें तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म? आई थिंक पिछले साल औरतों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा साल रहा. बहुत सारी अच्छी फिल्में आई जहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर्स औरतों की ही रही, और एक जो नज़रिया है
फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखने का वो टूट गया है, क्योंकि जब भी हम फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स आज तक देखा करते थे, यूजुअली वो हमेशा बहुत ड्रामेटिक हुआ करती थी या बहुत सीरियस हुआ करती थी. आई थिंक कुछ ऐसी फिल्में आई पिछले साल जैसे कि क्वीन, सबसे बड़ा एग्जांपल क्वीन का रहेगा. उसके बाद मैं अपनी ही फिल्म का भी नाम लूंगी, बॉबी जासूस, जहाँ पर हमने देखा कि लड़की के होने से फिल्म का जो रंग है, रुख है, रौनक है, खुशी है, वो कम होना ज़रूरी नहीं है. अ फीमेल सेंट्रल कैरेक्टर कैन स्टिल मेक अ फिल्म जस्ट एज एन्जॉयबल, अपीलिंग एंड वंडरफुल एज अ मैन कुड. सो इट्स बीन अ ग्रेट ईयर फॉर वुमेन. और अब आजकल हम सब इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो शायद एक नया मोड़, एक नया नज़रिया, एक नई शुरुआत हो रही है हमारी इंडस्ट्री में भी, जहाँ पर हम लड़कियों को और इज्जत देंगे, और सम्मान देंगे, और सराहेंगे, और अच्छे रोल्स लिखेंगे हमारी लड़कियों के लिए. ओ माय गॉड, ये साल खान्स के लिए बड़ा स्पेशल होगा. मेरे तीनों फेवरेट खान्स 50 साल के होंगे. इट्स अ लैंडमार्क इन देयर लाइफ्स एंड आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल कि ईच ऑफ देम हैज़ डन सो मच, डन सो वेल, बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच टू द इंडस्ट्री. मोर पावर टू यू आमिर. आई होप यू हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड. Happy, happy birthday. Keep doing the good work that you're doing. Lots of love and respect. Always, always. Diya, censor mode ko leke bahut se issues aa rahe hain. You yourself as a filmmaker, director. So, what are your comments It's we're going through a very interesting time. It's interesting because there's debate. And debate always leads to good things. तो अगर ये जो नए नॉर्म्स आ रही हैं या पॉइंट्स सामने आ रही हैं सेंसर बोर्ड की, एक बहुत अच्छा जागृति भी हो रही है, चर्चा हो रही है, चर्चे से अच्छी चीज़ें होती हैं. सो आई एम वेरी श्योर दैट द आउटकम ऑफ दिस बबलिंग अंडर दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ विल बी पॉजिटिव. बिकॉज एक होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कभी चर्चा में नहीं आती और चुप रहती हैं, ज़्यादा काम नहीं होता वहाँ पर. जब चर्चा होने लगती है तब कुछ अच्छा होने लगता है, काम होने लगता है. तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो चर्चा शुरू हुई है, इससे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, वो एकजुट होकर इंटरनलाइज करेंगे इन बातों को, एक्शन अगर लेना हो तो लेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छी चीज़ें होंगी. लेकिन आपने जैसे बोला प्रोड्यूसर्स बहुत खुश हैं या जो भी आपने बोला अभी, लेकिन सुधीर मिश्रा पर्सनली फील्स दैट यू नो पलाज मनाली शुड नॉट बी द चीफ ऑफ सेंसर. व्हाट इज योर यू नो आई एम नॉट सीनियर इनफ टू मेक कमेंट्स इन दैट नेचर. आई हैव नोन पलाज मनाली जी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. देयर मे बी सर्टेन ऑब्जर्वेशंस एंड सर्टेन व्यूज दैट ही हैज प्रोनाउंस्ड दैट वी मे नॉट बी इन अग्रीमेंट विद. And I'm pretty certain that the seniors in the industry will collectively put their opinion forward. And I'm very sure, given that we are a democratic organization and setup, there will be the right steps taken to ensure that everybody is happy. आप एक मुंबईकर हैं, ट्रैवल करती हैं हाईवेज पे, बट सचिन ने हाल ही में, सचिन तेंदुलकर ने टोल नाके को लेकर वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गेट्स कम है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, इन सब चीज़ों को लेकर चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था और चीफ मिनिस्टर ने उस पर रिप्लाई किया है, कहा है कि हाँ, हम सचिन की मांग को पूरी करेंगे. क्या रिएक्शन आपका होगा एज ए मुंबईकर, आप भी ट्रैवल करें? I think it's a wonderful thing जब people in public life and especially icons like Sachin Tendulkar take active interest and participation in social good. And I think it's a wonderful thing that he wrote this letter to the Chief Minister. It shows that he is deeply interested and involved with social good, something that impacts all of us. And अगर ये उनकी मांग पूरी हो जाए तो ये बहुत बढ़िया रहेगा. And I think it will give impetus to more people to get more involved. Thanks, sir. Thank you. Yeah, thank you.
Well, hopefully we will use the IFA platform this year to make some very interesting announcements. फोटो हो रहा है ना फिर भी क्यों क्यों बहुत ही अच्छा लग रहा है इट्स अ स्वीट 16 आईफा ईयर एंड दैट टू इन मलेशिया सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू going because last year I was nominated for Grand Musti and I'm fortunate enough that I was at least nominated. Getting an award or not getting an award is not the point. The point is at least you get nominated because IFA is not something which is small. It's like a very, very reputed form of medium and you go and your films get acknowledged on the global platform. And this year it's happening in Malaysia and it's the 16th year so it's going to be more youth, more fresh, more young and it's going to be a lot of fun and you're going to enjoy a lot of tourism. Award actor ke liye kitna maine rakhta hai aapki life mein kitna important hai award mere life mein to bahut hi important hai aap dekhiye Mr. Shahrukh Khan unko kitne awards mil chuke hain aaj tak awards hi awards milte ja rahe hain lekin still he's like a little child baby like whenever he gets his award he feels so good so aap dekh sakte hain jinko milta hai unke chehre pe kitni khushi hoti hai aap mehnat karte hain hard work karte hain end of the day aapka kaam acknowledge hota hai और आईफा जैसे मीडियम में एक्नॉलेज होना बहुत ही बड़ी बात है आई होप मेरी भी 5 फिल्में इस साल रिलीज हो रही हैं आई होप कुछ ना कुछ नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाए कि कुछ नॉमिनेट हो जाए कि मैं भी एक अवार्ड लेके घर जाऊं मुस्कुराते हुए बहुत ही अच्छा लगता है एज अ चाइल्ड व्हेन यू गो टू स्कूल यू गेट यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और यू कम फर्स्ट इन योर क्लास यू गेट सर्टिफिकेट और अ मेडल सो दैट इज ऑल्सो एन ऑनर एंड इफ यू गेट एन अवार्ड इट्स लाइक द मोमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली सो Really? Like he looks so young. 50, I like read out. I think he's just getting young, and it's not number. Like age is just a number, and I don't think so. It's really to do with the age. Like 50 or 60 or 40 is just the numbers, and I think he's just getting better with the age. Don't you think so? It's like a wine. Like the older the better. Okay, thank you. So much. Thank you. Yeah. Thank you. If they said they are going to act on it, they will. So, but is problems ko lekar kya kahenge ki aapko problems to it is a problem, but now since it's being worked on, so I guess it'll be resolved soon. Yeah. Sir Sachin Tendulkar bahut hi reserved kism ke person hai. Yeah, I mean, yeah. See, he's responding as a citizen, so he's writing as a citizen, so he wrote from a citizen's point of view. Really? Yeah. Really? Wow. Okay, I didn't know that. Wow. No. No. I don't know about that. Wow. Thank you.
अगर आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल आपके बिजी शेड्यूल से निकाल के आपको 24 आवर्स स्पेंड करने हो तो आप किन के साथ करेंगे, क्या अचीव करना चाहेंगे वो टॉपिक पर? I'd spend it with family and definitely would do something productive and have lots of fun with my family, spend quality time with them and my friends, yeah. Which big thing would you like to achieve? Good memories, I think. I guess, yeah. Good memories to take along with me. Thanks. Are there any upcoming projects? Not as yet. Nothing is confirmed as yet. Abhi baat chal rahi hai. तो अभी के लिए कुछ कंफर्म नहीं हुआ है. थैंक यू. आई थिंक आइफा को मैं बचपन से देख रहा हूँ और 16 साल पहले मैं स्कूल में था और तब से आइफा फॉलो कर रहा हूँ और पहली बार शायद इंडियन अवार्ड कोई आउटसाइड इंडिया गया था और मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इंडियन एक्टर्स को देखकर. सो आई थिंक आइफा इज़ वेरी स्पेशल फॉर पीपल स्पेशली हु स्टे अब्रॉड NRIs के लिए. हाँ, सबसे अच्छी बात यह कि मलेशिया में हो रहा है, इट्स नेक्स्ट डोर. उसका फायदा ये होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो जेट लैग नहीं होते, मतलब आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं जब भी वहां पर लैंड करते हैं. तो 2-3 दिन नहीं तो अगर आप कनाडा कर रहे हैं, यूएस कर रहे हैं, 3-4 दिन तो आपको जेट लैग उतारने में लग जाते हैं. पर आई थिंक ये अच्छा होगा एक्टर्स के लिए, प्रोडक्शन वालों के लिए कि पास में ही हो रहा है, विच इज वेरी गुड. लास्ट ईयर जो इतनी अच्छी फिल्में आई बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा. मेरी लास्ट ईयर की 3 फेवरेट फिल्में हैं, इनफैक्ट 4 फेवरेट फिल्में हैं. एक है पीके, क्वीन, आंखों देखी और हैदर. आई थिंक इनको अवार्ड मिलने चाहिए. यार मैं अपनी फैमिली को सबसे इम्पोर्टेंस देता हूँ और तो क्या होगा. आई थिंक बस हैप्पीनेस अचीव करना चाहता हूँ यार. ये बहुत इंटेंजिबल सी चीज़ होती है. आई थिंक द पर्सनल पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बाकी कुछ मटीरियलिस्टिक मैं सोच के नहीं आऊँ कि मैं ये खरीदूंगा या फिर ये गाड़ी ले लूंगा, एक बंगला ले लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक यू शुड बी जस्ट पर्सनली हैप्पी एंड हैप्पी विद योर ओन सेल्फ, दैट्स इट. आई थिंक एक तरह से हमारी सोसाइटी एक तरफ बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड कई बार अग्रेसिव हो जाता है. हमारी फिल्म दमदमा के एशिया में काफी ज्यादा कट्स हुए थे, इतने ज्यादा भी इतना फर्क नहीं पड़ा था वैसे. मतलब एक दो वर्ड्स जैसे हरामखोर को कठोर कर दिया था और हरामी पने को हमने छिछोरापन कर दिया था. तो आई थिंक ये हमारी फिल्म को इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो बाकी जो एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में होती हैं उनको इफेक्ट पड़ सकता है. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ए रेट दे ही चुके हो तो फिर सेंसर करने की क्या जरूरत है. ऑलरेडी 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो देखने जाएंगे. सो आई थिंक वो जितना रियल हो सके उतना सिनेमा के लिए अच्छा है और उतना उनके कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है. आई एम ह्यूज आमिर खान फैन. इनफैक्ट जब से क़यामत से क़यामत तक मैंने देखी थी तब से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. और मेरी फेवरेट फिल्म जो जीता हुए सिकंदर है. आई थिंक वो फिल्म जो थी अहेड ऑफ इट्स टाइम्स थी. सो आई वुड लव टू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई एम ह्यूज फैन सर. सेलिब्रिटीज के लिए अक्सर प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक, टोल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं. तो कई बार ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो टोल पर काफी वक्त देना पड़ता है. हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था सारी कंप्लेंट्स के साथ सीएम को और सीएम ने उस पर रिप्लाई किया है
और कहा है कि वो कोशिश करेंगे इन डिमांड्स को कंप्लीट करने में. क्या कहेंगे, क्या डिमांड्स है, मतलब समझ नहीं आया. जैसे टोल पर गेट्स बहुत कम है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, गाड़ी को लाइन से खड़े रहने पे. करेक्ट. वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, उसे हटाना चाहिए. आई थिंक सिर्फ टोल्स को लेकर नहीं, ओवरऑल सारी रोड्स पे गंदगी बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. एक्चुअली मुंबई जो है वो इतने सारे लोगों के लिए बनी भी नहीं थी शायद. एक ही रोड हमारी नॉर्थ से साउथ तक जाती है, तो हम क्या करेंगे. दो, एक सी लिंक है और बाकी एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है. तो एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एक लिंक रोड है, उस पर पूरी मुंबई सर्वाइव करती है. तो आई थिंक हमारे लोड काफी ज्यादा बढ़ चुका है हमारे हमारे सिटी में, और जितना हमारी सिटी एक्सपैंड करेगी उतना ज्यादा अच्छा है. थाने साइड या फिर जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, और मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी और एक्सपैंड करना चाहिए, सिर्फ फिल्म सिटी तक सीमित नहीं रहना चाहिए. हमारे ऑफिस सारे अंधेरी में है, कुछ ऑफिस अगर हमारे बाहर चले जाएंगे, अगर थोड़ा और दूर चले जाएंगे तो बेटर रहेगा. इनफैक्ट आई थिंक एक हेलीकॉप्टर हर एक को ले लेना चाहिए, वो एक ऑप्शन. हाँ, आई थिंक वो एक ओपिनियन लीडर है. सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है, और हर कोई उनको लुक अप टू करता है, और जो वो कहते हैं सब सीरियसली मानते हैं. तभी सीएम साहब ने बहुत इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया. अगर आम आदमी कोई करता तो शायद ना इतना रिप्लाई होता. बट इट्स ग्रेट दैट ही इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सोचते हुए वो टोल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, या फिर जो शहर की गंदगी है उस पर कमेंट कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम हिज साइड. यार अब मैं, मेरी घर वापसी हो रही है. इनफैक्ट मैं सुजीत सरकार के पास वापस जा रहा हूँ. मतलब वो उनके साथ एक फिल्म करूंगा बहुत जल्द. आगरा का डाबरा शायद शूट होगी, सर्दियों में शूट होगी. सो दैट्स द ओनली प्रोजेक्ट आई हैव. जॉन ने कहा था कि आपके साथ एक वही फिल्म है मेरी, तो वही वही वो सुजीत सरकार जॉन अब्राहम को प्रोड्यूस कर रहे हैं. या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स, गुड बाय, गुड बाय. थैंक्स यार, आप भी करो. Hi, good how are you? Hi, long time. Congratulations. How is the feeling to associate with IFA, completed 16 years? Yeah, I feel very close to IFA because I think I'm as old as IFA in the industry. I started in 2001 and I think the first IFA was 2001 or 2000 or 2001, one of the two. So I've started my career with IFA and I've been to most of the IFA awards. And Wiscraft, as always, they've always been very hospitable. The IFA team has been very hospitable. And it's a very fun award function wherein you don't get too hyper about who's winning, who's losing. It's more about being with the industry, connecting with your fans abroad, and just having a good time. I think deservedly would be Queen, PK. These are my two favorite films from last year. Tushar, we are celebrating films in Indian cinema abroad. लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन सेंसर बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी में घिरा हुआ है पिछले दो तीन महीने से. रिसेंटली सुधीर मिश्रा, वेरी रिनॉन्ड डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड, हैज कमेंटेड दैट फिलहाल निलानी जी को चीफ नहीं होना चाहिए सेंसर बोर्ड का. आपका क्या रिएक्शन है? I don't want to comment on this because मैं अभी दो महीने की शूटिंग करके आया हूँ, तो बहुत सारा जो हुआ है अभी, मतलब सेंसर बोर्ड को लेकर, I'm just getting familiar with that. But I do feel कि बहुत confusion है सेंसर बोर्ड में. It's not clear as to क्या पास करना चाहिए क्या नहीं. And I think 2015 में I think we need to really get our act together as far as censorship is concerned. तो वो भी मतलब sort out हो रही है चीज़ें. अगर मतलब confusion है अभी, मतलब चीज़ें sort out होने वाली हैं. So it's a good trend. It's good to have these conflicts, good to have these discussions so that we eventually know where we're going. Sushant, tomorrow Amir is turning 50, so wishes for him. Of course, I mean, I think he's one actor, I think, who's broken all records as far as, not just in box office, as far as not looking his age, because he definitely doesn't look 50. He's played a college boy 5 years back. So here's wishing Amir Khan, it could be a 5th or a 50th birthday. I think he can play both characters really well. So you can remove the zero if you want. सेलिब्रिटीज के लिए ही और आम पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा मुंबई में प्रॉब्लम होती है वो ट्रैफिक टोल्स को लेकर. तो टोल को लेकर जो उनकी प्रॉब्लम है, जैसे गेट बहुत कम है और एम्बुलेंस को भी प्रॉपर जगह नहीं मिलती जाने के लिए, इस पर सचिन तेंदुलकर ने एक लेटर लिखा था सीएम को कि इस तरह की डिमांड्स है मेरी, इसे पूरी करना चाहिए आपको. उनका उन्होंने कहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी. एनीवे आई फील द गवर्नमेंट नाउ इज डूइंग अ लॉट. Lot of projects have been passed, lots of new highways, lots of new infrastructural projects have begun or are going to begin. There's going to be more land acquisition. So
आई थिंक एक स्मॉल मुद्दा है जो आई थिंक सॉर्ट आउट हो सकता है, बट आई थिंक देयर आर बिगर इश्यूज एंड बिगर प्रॉब्लम्स दैट आर ऑन द वे टू बीइंग सॉल्वड। बहुत ही खुशी की बात है कि सीएम ने इस पर तुरंत रिप्लाई भी किया और कहा कि हां वो ये करेंगे, क्योंकि सचिन ने कहा है। यस, आई बिलीव आवर सीएम इज वेरी रिस्पांसिबल, वेरी रिस्पॉन्सिव एंड ही इज वेरी यंग इन हिज अप्रोच। बहुत मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग है, बहुत प्रॉम्प्ट है, बहुत क्विक है। तो यू आर गिविंग मी द आंसर टू माई क्वेश्चन, इज बींग डन। I don't want to comment on anybody personally. Third installment of Kya Super the Cooling Hum. I'm sure you're all set and excited for that. Apart from that, which films are you doing? Well, there's Masti Zade and then there's Kya Cool Hai Hum 3. Yeah, these are the two films that right now are going to release this year. I think aakhri 24 ghante honge life mein, to क्या करना चाहूंगा, मे बी प्रॉब्ली जस्ट ईट माई हार्ट आउट, जितना जो खाना है खा लूंगा एंड जो पीना है पी लूंगा। प्रॉब्ली आई जस्ट व्हाट आई डू लास्ट 24 घंटे में, आई थिंक आई विल स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड पार्टी, दैट्स इट। युवा लोग भी आ रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर आप लोग उनके बारे में ही लिखते रहते हो, आप इतना लिखते हो उनके बारे में, इतना छापते हो उनके बारे में, मैं क्या कहूँ, आपने ही कह दिया। थैंक यू। सबसे पहले तो आईफा ने 16 साल पूरे कर लिए जी, आईफा के साथ जो आप अपने साथ शेयर करना चाहते हैं। 16 बरस की इस बाली उम्र को सलाम सबसे पहले। आई थिंक इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी कि आईफा ने 16 साल कंप्लीट कर लिए। 2000 में शुरू हुए थे आईफा और पिछले मैंने जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से आईफा अटेंड कर रहा हूँ, आईफा होस्ट किया है। सो मेरा ये जो रिश्ता है आईफा के साथ ये बहुत पुराना है एंड इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी कि आईफा हर साल और बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड दिस टाइम टू। सर इस बार मलेशिया में होगा जी, क्या है सवाल, क्या है आप सवाल पूछ रहे, जानकारी दे रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट ईयर जो है काफी अच्छी अच्छी फिल्में आई, आपकी लाइव आ रही आई जी, अनफॉर्चुनेटली आईफा में नॉमिनेटेड नहीं है वो फिल्म। हाँ यस सर, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है लास्ट ईयर? मेरी फेवरेट फिल्म जो लास्ट ईयर रिलीज हुई नहीं, ऑफ कोर्स एक विलन बिकॉज उसमें मैं था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एक विलन आई थिंक क्वीन, आई रियली लाइक क्वीन। रितेश, विद आईफा वी सेलिब्रेट सिनेमा एंड फिल्म्स अब्रॉड, बट कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड जो अपने इंडिया का है वो काफी टाइम से कॉन्ट्रोवर्सीज में है, 3-4 महीने हो गए। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा हैज कमेंटेड कि प्रहलाद धिलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ नहीं होना चाहिए उनको, इस बारे में आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन व्हाट सुधीर जी हैज सेड, आई थिंक ही इज टू जोन, बट आई ट्रूली बिलीव के हमारे यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट देते हैं वो उसका एक तरीका होना चाहिए। यू कांट सेंसर थिंग्स व्हाट अडल्ट शुड वॉच और नॉट वॉच। हाँ, अगर कुछ चीज़ें ऑफेंसिव है इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई लोग ऑफेंड हो रहे हो तो आई एम श्योर दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, बट इट कैन बी कांट बी अ डिक्टेट कि ये कर सकते हो नहीं कर सकते। आई थिंक वन डजंट स्टैंड फॉर दैट। टुमारो अमेरिका इज़ स्टार्टिंग, सो विशेस फॉर यू। या हैप्पी बर्थडे अमित। थैंक यू।
पेपर में जो सब कुछ आता है सब पे कमेंट करूं मैं कि इसमें क्या हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ये तो आइकॉन माने जाते हैं। ऑफ कोर्स ही एन आइकॉन। या इस पर क्या कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने उनकी डिमांड्स को मान भी लिया, कहा है कि हम उम्मीद करते हैं जल्दी इस पे पूरा करेंगे। क्या कहेंगे आप कि सचिन एक बहुत ही रिजर्व पर्सन है, इस तरह का लेटर लिखना उनका और इतना बड़ा कदम उठाना? Really? These are IFA questions? No, but Ritesh, No, no, first of all, I think that Sachin is an icon, or he's always stood for the right. He is a Rajah. So I'm sure he has taken a right call that jab kabhi bhi city ke andar aur bahar jana padta hai to kafi sare toll bharne padte hain. I think that